हेलो फ्रेंड्स, बीसीटी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। अरे तू चुप कर, मुझे बोलने दे, मैं बोलने के लिए आया हूँ ना। अच्छा ठीक है, चुप। तो इस भाग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पर इस टाइप की डबल रोल वीडियो को बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो फिलहाल अगर आप भी इस टाइप की वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि जिस कैमरे से आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसकी पोजीशन बिल्कुल भी चेंज ना करें, बिल्कुल सेम सीनरी होना चाहिए। इवन बैकग्राउंड में भी दोस्तों जो आपकी ब्राइटनेस है, कलर्स हैं, अगर आपने यहाँ पर कोई सीन लिखा है तो वो भी आपका ज़्यादा यहाँ पर डिफर ना करे। ऐसा नहीं हो कि आपने सुबह को रिकॉर्डिंग की इस वाले करेक्टर की, शाम को रिकॉर्डिंग की इस वाले करेक्टर की। तो फिलहाल अगर आपको यहाँ पर इस टाइप की रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको इन्वायरमेंट, बैकग्राउंड और कैमरे की पोजिशन इस सभी को यहाँ पर फिक्स रखना होगा। और उसके बाद दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने डायलॉग को सिंक्रोनाइज करवाना, मतलब कि सिंक्रोनाइजेशन आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर भी मैं बोल रहा हूँ तो इस बंदे को चुप होना चाहिए, अगर नहीं भी चुप है अभी चुप हो, अगर ये नहीं भी चुप है तो फिलहाल यहाँ पर इस बंदे के साथ दोस्तों इस टाइप की सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं बोल रहा हूँ वो भी यहाँ पर हाँ बोले, बिल्कुल सिंक्रोनाइज होना चाहिए। तो फिलहाल ये एक रिकॉर्डिंग में नहीं बन पाएगा, आपको यहाँ पर दो चार या तीन चार बार शूट अप करना पड़ सकता है। बाय द वे इतना ही कहूँगा करके कि अगर आप यहाँ पर इस टाइप की रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो डायलॉग पहले से लिख लें ताकि यहाँ पर इन बिटवीन ऐसी कोई दिक्कत ना आए। तो फिलहाल आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया कि आपको क्या करना होता है। अगर यहाँ पर दोस्तों इन डिटेल जानना चाहते हो कि आप इस चीज़ को अपने एंड्रॉयड फ़ोन से कैसे एडिट कर पाओगे, कैसे रिकॉर्ड कर पाओगे, तो फिलहाल एक बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे यहाँ पर डबल रोल वीडियो को बना सकते हैं। तो फिलहाल आप उनके चैनल को जाइए, मैंने उसका वीडियो आपको स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर दिया होगा, आप इस पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करना और साथ में इनके चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाना। तो फिलहाल देख लीजिए कि कैसे इन्होंने इस वीडियो को यहाँ पर क्रिएट किया है और मैंने दोस्तों इस वीडियो को इन्हीं की हेल्प से यहाँ पर बनाया है। तो थैंक्स टू पुष्पेंद्र जी जिन्होंने यहाँ पर इस वीडियो को बनाने में मेरी हेल्प की है। और अगर आप भी इस टाइप की वीडियो को बनाना चाहते हो और अपने दोस्तों के यहाँ पर अपना इंप्रेशन जमाना चाहते हो, दोस्त जमाना चाहते हो, तो फिलहाल एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।